इस्लामाबाद नंदीपुर पार्क प्रोजेक्ट में ताखीर की रेफरेंस पर समाप्त हुई। मुलजिम बाबर आवान के बतौर वकील अपनी बरियत की दरख्वास्त पर दलाइल मुकम्मल हो गए हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे जीशान सैयद से। जीशान, बताइएगा अदालती कार्रवाई के बारे में। जी बिल्कुल, एहतसाब अदालत में नंदीपुर पावर ताखीरी रेफरेंस की समाअत हो गई। केस की समाअत जो है जज अरशद मलिक ने की। बाबर एवान जो है, मुलजिम बाबर एवान ने बतौर वकील अपनी दलाइल जो है वो मुकम्मल कर लिए। साबिक वजीर कानून बाबर एवान ने अपने बरियत की दरख्वास्त पर दलाइल देते हुए मुकफ इख्तियार किया कि वजारती कानून में जो भेजी गई समरी थी वो दोनों वजीर के अहदे के बाद जो है वो समरी मौसूल हुए। ताहम वो जो समरी है वो वजीर कानून ने नहीं बल्कि सेक्रेटरी कानून ने जो है वो मौसूल करवाई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने नंदी पावर प्रोजेक्ट के जो फैसले में काम न करने वालों के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की हिदायत की थी। ताहम नैब ने जो है जिम्मेदारान के खिलाफ रेफरेंस दायर नहीं की और मेरे खिलाफ उन्होंने रेफरेंस दायर की, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि बाबर एवान जो है ये दलाइल बाबर एवान की दौर में वजारती कानून की नहली के बाद ये हुआ। ताहम अदालत जो है बाबर एवान की बरियत की दरख्वास्त वो मुस्तरद कर दे, जिस पर एहतसाब अदालत ने फैसला महफूज करते हुए कहा कि इसको 20 फरवरी तक केस की समाअत जो है महफूज शुद्धा फैसला सुनाएंगे और केस जो है 20 फरवरी तक मुलतवी कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जीशान सैयद आपका।